हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 के सोल्यूशन के बारे में। इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है वो हम बता चुके हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसको देख लीजिएगा। अब हम उसे क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए डिफ्रेंसिएशन जो आपका है अवकलन, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से पहली एक्सरसाइज को देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहे कुछ और रहा है, ज्यादातर लोग लगाते उसको दूसरी तरीके से। क्वेश्चन कह रहे थे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, जिसको कि इंटीग्रल कहते हैं, जिसको कि प्रिमिटिव भी कहते हैं, हम बता चुके हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करो। निरीक्षण विधि द्वारा, इंस्पेक्शन मेथड, ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, हमें करना है इंटीग्रल किसका, साइन 2x का, साइन 2x का x के रिस्पेक्ट में करना है और इसकी वैल्यू हमको नहीं आती। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको इंस्पेक्शन मेथड लिखना है, निरीक्षण विधि लिखना है। इसका मतलब समझिएगा, पहले आपको वो फंक्शन ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। अब ये आपको डिफरेंशिएशन में क्लियर होना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई हम जानते हैं, वी नो दैट, ये हम जानते हैं। अब आप कहेंगे हम तो नहीं जानते हैं, तो जानिए हम जानते हैं भाई साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप कहेंगे कॉस 2x का होता है। तो हम जानते हैं कि अगर मैं डी बाय डी एक्स कर दूं किसका, कॉस 2x का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2x, ये कॉस 2x का डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, कॉस 2x में अगर यहां प्लस सी भी कर देते हैं, प्लस सी वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, हम इसमें कर नहीं रहे। इसका मतलब अगर मैं इसको अकेला कर दूं भाई, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन 2x नहीं, ये भी होता है ना, इसको अकेला करिए, इस -2 को इधर लेके आओ, तो आप कहेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x अपान -2 इसका होता है साइन 2x। जरा समझिएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो साइन 2x हुआ, तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस 2x बाई 2। यानी कि अगर कहें इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, साइड्स, ये समाकलन होता है। बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत यूजुअल इसका जो मतलब है। तो यहां तो इंटीग्रल का साइन लग जाएगा, इंटीग्रल साइन 2x किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ये आंसर आएगा -cos 2x/2 प्लस सी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको बाय इंस्पेक्शन मेथड इसको इंटीग्रेट करना है, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हाँ, थोड़ा दिमाग देख लीजिएगा, cos sin x का इंटीग्रल -cos x, और अगर x की जगह 2x है तो वही रहेगा, 2 अपान में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। ये अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद में डायरेक्ट जब करेंगे तो ये अप्लाई वहां करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है प्लस सी कहां से आ गया। देखिए अगर कॉस 2x प्लस सी को हम डिफरेंशिएट करते तब भी रिजल्ट यही आता, नहीं आता, क्योंकि प्लस सी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहां अगर प्लस सी लिखा होता तब भी तो रिजल्ट वही आता, इसीलिए यहां प्लस सी आ गया। आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, फिर समझिएगा, बाय इंस्पेक्शन मेथड है ना कि डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रल फाइंड करिए cos 3x dx का, cos 3x dx की वैल्यू निकालना है। हमने क्या कहा, पहले वो फंक्शन फाइंड करके लाओ जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x होता है। तो हम जानते हैं
वो सब में करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने इस क्वेश्चन को दिया है कि आपका डिफ्रेंसिएशन अगर क्लियर नहीं है तो इंटीग्रल में दिक्कत आएगी। आप क्या कहेंगे कि भाई जब हम डी वाई डी एक्स करते हैं किसका, साइन थ्री एक्स का, तो रिजल्ट क्या आता है, कॉस थ्री एक्स और मल्टीप्लाई में थ्री आता है। इसका मतलब कॉस थ्री एक्स का अगर इंटीग्रल करेंगे तो साइन थ्री एक्स आएगा, लेकिन थ्री थोड़ी होना चाहिए, थ्री को हटाओ। तो मैं क्या करूंगा, इस थ्री को अपान में ले आते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थ्री एक्स, अगर यहां प्लस सी लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस थ्री एक्स। तो कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यहां होगा इंटीग्रल किस फंक्शन का, कॉस थ्री एक्स का। तो यहां इंटीग्रल लगा देंगे कॉस थ्री एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और चूंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो यहां डिफरेंशिएशन लगा हुआ है और इसका उल्टा कर दोगे ये हट जाएगा वहां से, तो क्या वैल्यू आएगी, साइन थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी। ये प्लस सी यहां लिख भी सकते हो, कहीं कहीं पर यह नहीं बताया जाता है, ये डायरेक्ट यहां प्लस कर दिया जाता है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां सी ना लिखो तभी वो रिजल्ट वही आएगा। अब थोड़ी सी चीज दिमाग में रखिएगा कि cos 3x का इंटीग्रल sin 3x, यानी x की जगह, अभी हम जब इसका पहला वीडियो आप देखेंगे, इसके लिंक पे लिखा हुआ है इंटीग्रल जब हमने बताया, तो उसमें हमने कहा था कि जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, x का मतलब x होना चाहिए, साइन एक्स है तो साइन एक्स, कॉज एक्स है तो कॉज एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ई टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स, एक्स ही होना चाहिए। लेकिन अगर एक्स की जगह ए एक्स लिखा हुआ है तो इतनी छूट दे दी गई है कि ए एक्स को भी एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स के साथ जो इनटू में कांस्टेंट है वो अपान में आ जाएगा, ये छूट आपको दी गई है, लेकिन फिलहाल तो यहां शो करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन समझिएगा, इसी प्रकार से हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई टू पावर टू एक्स को, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ई टू पावर 2x का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। मैं ये पढ़ चुका हूं कि e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है, तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 2x होता है 2, थोड़ा गैप दे देंगे हम, 2 e टू पावर 2x। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये नहीं चाहिए हमको, तो इसको हम यहां से हटा देंगे और अपान में लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, ई टू पावर टू एक्स। अगर यहां एक कांस्टेंट प्लस सी होता उसका भी रिजल्ट यही होता। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल का साइन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है डीएक्स, और ये रिजल्ट क्या आएगा, ई टू पावर 2x बाई टू प्लस सी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, थोड़ी सी चीज आप दिमाग में रखिएगा, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है। हमने बताया e टू पावर x में e टू पावर x ही होना चाहिए, x गए ax आ गया है, तो ये आपको छूट दे दी गई है कि वन अपान ए अपान में लिख दीजिएगा, इतनी छूट दी गई है, एक्स स्क्वायर आएगा नहीं चलेगा, उसका मेथड चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है थ्री ए एक्स प्लस बी टू पावर टू इंटू ए। अब कैसे होता है ये ना पूछिएगा, डिफरेंशिएशन का भी इसमें हम लिंक दे देंगे, डिफरेंशिएशन इसमें भी पढ़ लीजिएगा, ये वहां से एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं। हमको चाहिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो इसके साथ ये थ्री ए मल्टीप्लाई में है इनको यहां से इसी वक्त हटा दो और इसको अपान में ले आओ, ले आए, ये ब्रैकेट बंद कर दो। और अगर यहां प्लस सी अलग से लिखा होता तो इसका भी
इसकी वैल्यू क्या होती, यही होती, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां होगा इंटीग्रल किसका, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो ये लिखेंगे आप ए एक्स प्लस बी टू पावर टू डीएक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये रिजल्ट आएगा ए एक्स प्लस बी टू पावर थ्री अपान थ्री ए प्लस सी। जरा देखिए अगर इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल होगा। सावधान, मैंने कहा एक्स टू पावर एन, इस पूरे को एक्स मानो, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, और जो एक्स साथ इंटू में ए है वो अपान में आ गया। ये छूट आपको दी गई है तो छूट का आप वो फायदा उठाइए। पांचवा क्वेश्चन समझिएगा, ये फिफ्थ फाइव क्वेश्चन तक आपको इंस्पेक्शन मेथड कहा गया है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रल निकालना है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स माइनस फोर ई टू पावर थ्री एक्स, फोर ई टू पावर थ्री एक्स डीएक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अभी हम बता चुके हैं कि अगर माइनस बीच में लगा है तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल में आपको बताया जा चुका है। तो देखिए पहले आप साइन टू एक्स को उठाइए, साइन टू एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो देखिए वी नो दैट अगर मैं डी बाई डी एक्स कर देता हूं कॉज टू एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस टू साइन टू एक्स। कैसे आप जानो, इसको इधर ले आओ, इस माइनस टू को अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस टू एक्स बाई टू करता हूं, तो इसकी वैल्यू आती है साइन टू एक्स। चूंकि मुझे इसे अलग से इंटीग्रेट करना है तो पहले इसका इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इधर तो ये इसका इंटीग्रल होगा इंटीग्रल साइन टू एक्स डी एक्स, इधर क्या आएगा माइनस वन अपॉन टू कॉज टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, इतने का रिजल्ट आया, ठीक। अब जरा इधर आइए, देखिए यहां पे आइए, हमें फोर से मतलब नहीं है, इनटू में जो कोफिशियंट होता है वो डिस्टर्ब नहीं करता है, ई टू पावर थ्री एक्स में आइए तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर थ्री एक्स करते हैं तो क्या आता है थ्री ई टू पावर थ्री एक्स, थ्री को इधर ले आओ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर थ्री एक्स बाई थ्री करेंगे। अब आप कहेंगे यहां प्लस सी क्यों नहीं किया भाई, यहां प्लस सी करना चाहिए, नहीं करेंगे, क्यों, दो फंक्शंस हैं एक साथ कांस्टेंट प्लस होगा, दो अलग अलग कांस्टेंट नहीं होते, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, तो एक ही कांस्टेंट प्लस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ई टू पावर थ्री एक्स, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा यहां जाएगा इसका वैल्यू आएगी इंटीग्रल ई टू पावर थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री ई टू पावर थ्री एक्स। हमने जानबूझ के प्लस सी अभी नहीं किया है। अब आप इक्वेशन वन और टू को समझिएगा, बाई इक्वेशन वन एंड टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू, जरा सावधान, आपको रिजल्ट क्या लाना है यहां समझिएगा, आपको रिजल्ट लाना है इंटीग्रल साइन टू एक्स माइनस फोर ई टू पावर थ्री एक्स, ये लाना है डीएक्स बराबर, जरा समझिएगा, साइन टू एक्स का निकाल चुके हैं माइनस हाफ कॉस टू एक्स, माइनस हाफ कॉस टू एक्स माइनस, ये वाला माइनस, यहां फोर आया हुआ है, मैंने यहां फोर नहीं लिखा है तो फोर लिख दीजिए अलग से, और इसका इंटीग्रल क्या होता है वन बाई थ्री ई टू पावर थ्री एक्स, यहां प्लस सी जोड़ दीजिए लास्ट में, दोनों में अलग नहीं करना है, ये इंटीग्रल होता है। तो ये तो बाई इंस्पेक्शन मेथड किया आपने, अब आगे आपको केवल इंटीग्रेट करना है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें इंस्पेक्शन मेथड था इसलिए मैंने वैसे बताया,
इवेलुएट द इंटीग्रल, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि भाई e टू पावर x का अगर इंटीग्रल है तो e टू पावर x होता है, और हमने बताया अगर x गए x ही होना चाहिए, लेकिन एक छूट आपको दी गई है, यहां ax अगर लिखा हुआ है तो ax ही कंसीडर किया जाएगा, a अपान में आ जाएगा, इतना आपको छूट दे दी गई है, वो आप छूट यहां अवेल करेंगे। ठीक है, जरा सिक्स क्वेश्चन समझिएगा क्या है, एक मिनट जरा इसको खाना खुराक खिला दें कि भूखा बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए इंटीग्रल को टफ माना जाता है, ये मेंटली टफ होता है, मतलब मानसिक रूप से स्टूडेंट उसको टफ मानते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लोगे, हाँ ये इंटरकनेक्टेड है, पूरी एक्सरसाइज चैप्टर्स जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, देखिए इंटीग्रल करना है आपको, इंटीग्रल 4e to power 3x plus 1 dx। हमने क्या कहा कि इसको पहले अलग अलग कर दो, देखो 4 तो कोफिशियंट है बाहर लिख दीजिए, और e टू पावर 3x का इंटीग्रल हो गया प्लस 1 का इंटीग्रल हो गया। अभी हमने कहा e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x का इंटीग्रल e टू पावर x होता है, x की जगह अगर ax है तो आप x ही की तरह ट्रीट करिए, और ये अपान में 3 आ जाएगा, यहां डाइड कर लीजिएगा, आगे इसका मेथड बताया जाएगा। प्लस 1 का इंटीग्रल x और एक कांस्टेंट आएगा c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना पड़ेगा कि c समाकलन नियतांक है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चीज और अपनी आदत में डाल लीजिए, जब डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे थे हर जगह y बराबर लिखते थे आप, और यहां आई बराबर लिखना शुरू कर दीजिए, अभी हम तो नहीं लिखेंगे लेकिन लिखना शुरू कर दो, इंटीग्रल में आप आई इज इक्वल टू जरूर लिखा करिए। इसका रीजन क्या है मैं आगे बताऊंगा, आगे यूज आएगा इसका। एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 minus 1 upon x square dx, देखिए यहां मल्टीप्लाई रूल नहीं होता पहली बात, और मल्टीप्लाई रूल होता भी है तो दोनों फंक्शन एक टाइप के नहीं होने चाहिए, ये भी एलजेब्रा नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट खोल दीजिए, जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 के साथ आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो 1 हो जाएगा, अब इसको डायरेक्ट कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला किसका लगाएंगे, या अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर डीएक्स अलग कर दो और माइनस 1 डीएक्स अलग कर दो, यहां फॉर्मूला क्या लगेगा एक्स पावर एन का, क्या होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और माइनस 1 का एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट एक्स क्यूब by 3 माइनस एक्स प्लस सी। अगर कांस्टेंट प्लस नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिएगा आपको दिक्कत आएगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है, अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन आई में लिख रहा हूं, बार बार लिखूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। देखिए चूंकि प्लस लगा है, अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर दो, प्लस इंटीग्रल बी एक्स डी एक्स अलग कर दो, प्लस इंटीग्रल सी डी एक्स अलग कर दो। ये ए क्या है, कोफिशियंट है, गुणांक है, ए बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, यहां b बाहर हो जाएगा, x अंदर रहेगा, चाहो तो c बाहर कर दो, यहां 1 अंदर रहेगा। यहां पे आइए, फॉर्मूला यहां क्या लगेगा x पावर n, क्या होता है इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस प्लस b, यहां x पावर 1 है, x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, 1 का इंटीग्रल। अब कांस्टेंट ऑफ c तो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो यहां कांस्टेंट प्लस कर दो k, लिख दो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस के। ये एट्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ में आइए, फॉर्मूला वही एक ही लग रहा है, नाइन्थ कह रहा है इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस e टू पावर x, i इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस e टू पावर x dx, इसको अलग अलग कर दो, 2 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल प्लस ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल,
डीएक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री डाइड कर दिया हमने, देखिए यहां पे बताया हमने, प्लस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स प्लस सी, नीचे लिख देंगे सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दसवां क्वेश्चन देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको, कोई मल्टीप्लाई रूल नहीं है, दो फंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इन एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस माइनस टू। अब ये ना कहना कैसे इसको खोला गया, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो, एक्स डीएक्स अलग कर दो प्लस वन अपान एक्स डीएक्स अलग कर दो माइनस टू डीएक्स अलग कर दो। एक्स का इंटीग्रल एक्स पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन प्लस वन अपान एक्स को गलती से ऊपर मत शिफ्ट कर देना क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसका इंटीग्रल लॉग एक्स टू बेस ई और टू का टू एक्स प्लस सी, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स टू बेस ई माइनस टू एक्स प्लस सी, ये इसका हो गया। इसके बाद इलेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड नहीं। जैसे ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग अलग पहले करो। कैसे, जैसे आप जानते हैं अलजेब्रा में अगर a प्लस बी अपान सी है इसको a अपान सी प्लस बी अपान सी ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं c अपान a प्लस बी है इसको c अपान a प्लस सी अपान बी नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो इस रूल को यहां अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे, देखिए एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स स्क्वायर, अलग अलग हो गया। देखिए डीएक्स, ये एक्स का फंक्शन, ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर एक्स बचेगा, ये कट जाएगी, फाइव बचेगा, ये ऊपर ले जाओ माइनस टू। अगर अकेला एक्स है तो नहीं ऊपर ले जाएंगे, अकेले एक्स में लॉग एक्स होता है, लेकिन पावर कुछ और है तो उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन ऐड कर रहा हूं इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई टू, फाइव का फाइव एक्स माइनस फोर, इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान माइनस वन प्लस सी। अब चूंकि माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अपान एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, चूंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब 21-22 क्वेश्चन है, लिस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। अदरवाइज आप बहुत सारे एक साथ क्वेश्चन दे करके आप भड़बड़ा जाएंगे, एक घंटे का वीडियो कैसे देखें, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी व्यक्ति हैं, तो इतने करिएगा, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।